ठीक है, तो हम लोग कहाँ देख रहे थे? हेलोजन फैमिली देख रहे थे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग क्या देखेंगे? इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी थोड़ा सा देख ही चुके थे, यदि याद दिलाएं तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है ना थोड़ा सा देख चुके थे। ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी इतना हम लोग देख चुके थे, लेकिन फिर से एक बार इसको रिविजन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग फिर से केमिकल प्रॉपर्टीज से, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज तो ये हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो हम लोग क्या देखेंगे आपका, वो हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। कल भी यही चीज हम लोग देखे थे, आज फिर से एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिव ठीक है। बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसी पे खास करके हम लोग फोकस देते हैं, और किस तरीके से केमिकल रिएक्टिविटी होगा उसका उस पर, ठीक है। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो अपना ये है, ठीक है, जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, ठीक है, क्या क्या बात किए थे पिछले क्लास में भी? एक तो मैक्सिमम की बात किए थे, मैक्सिमम कितना शो करेगा, और एक मिनिमम की बात किए थे, मिनिमम। तो मैक्सिमम क्या बोले थे कि +7 शो करेगा, ठीक है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे आउटर मोस्ट सेल में वो मैक्सिमम, जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन लेने पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा उतना मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यानी कि जैसे कि हेलोजन ही है, क्लोरीन ही है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितना 7 इलेक्ट्रॉन्स है, कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एक, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करेगा वो -1, ठीक है, कितना शो करेगा -1। तो यदि हम मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन हम लोग क्या लेकर के चलते हैं, 1, क्योंकि सारे हेलोजन जो है 1 तो शो करता ही, ठीक है, मोस्ट कॉमन सारे हेलोजन जो है वो 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, इसलिए यहाँ आप ये भी लिख लेते हैं ऑल हेलोजन, ठीक है, हेलोजन, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और यदि हम बात करें किसका, तो Cl का, ठीक है, Br का, आई का, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, तो सो ये क्या शो करते हैं, +1, ठीक है, +3, ठीक, +5, ठीक है, और +7, ठीक है, और कभी कभी तो +4 और +6 भी शो कर, ठीक है, ये भी पिछले क्लास में बताए थे। और ये जो शो कर रहा है +3, +5, +7, ये सब जो है अपने एक्साइटेड स्टेट में जाकर के शो कर रहा है। +1 तो नॉर्मली शो करेगा, ठीक है, और बाकी का जितने भी रहेंगे, यानी कि +3, +5, +7, सब का सब जो है अपने हाइयर ऑक्सीडेशन, अपने एक्साइटेड स्टेट में जा करके शो करेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड? यहाँ पे कुछ मैसेज कर रहा है, लग रहा है कुछ, जस्ट आर्यन, ठीक है, तो ये चीज है पूरा का पूरा, बात समझ में आया? अब इसी में यदि हम बात करें कैसे ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से, मतलब कैसे एक्साइटेड स्टेट में जाकर के शो कर रहा है, वो चीज को समझें। जैसे सपोज दैट, फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्लोरीन, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोरीन, ठीक है, सी एल, ठीक है, तो सी एल का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, जेड बराबर हो जाता है 17, ठीक है। और कॉन्फिग्रेशन करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा आपका 3s, ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा 3s2, और 3p कितना हो जाएगा 3p, ठीक है। तो यही वाला जो डब्बा है आपको नजर आएगा, जहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ
यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पांच इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार, पांच ऑर्बिटल्स भी होंगे। पांच इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होगा, वन टू सॉरी बी का हम जा रहे हैं, तीन ऑर्बिटल्स होंगे पी वाले, ठीक है, ये रहा पांच इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे कैसे हो सकते हैं, वन ठीक है, टू थ्री फोर फाइव। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक यहाँ पे पेयरिंग एक हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी हम इसका कोवेलेंसी को देखें, ठीक है, कोवेलेंसी, कोवेलेंसी यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, कोवेलेंसी। ताकि फिर से मैसेज आया है, ठीक है, कोवेलेंसी यदि हम लोग देखें तो क्या आ रहा है, प्लस वन, ठीक है, कितना कोवेलेंसी इसका आ जाएगा, प्लस वन, ठीक है, समझ में आ रहा है बात कैसे। तो ये हो जाएगा वन कोवेलेंसी, क्योंकि एक यहाँ पे पेयर्ड हो सकता है। और ये वाला जो है एक तरह से कहें तो ये किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट, किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट। उसके बाद यदि हम लोग इसको ले जाएं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम लोग बॉन्डिंग में भी इसमें ही पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसका और एक चीज़ आप देखेंगे कि 3D जो होता है वो खाली है, वैकेंट, 3D क्या है, वैकेंट। तो ये खाली, तो एक इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ चला जाएगा, इस वाले, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये एक तीन चार, और यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन उठ करके था वो कहाँ चला गया, डी वन, एक दो तीन चार, ये यहाँ, ठीक है। तो अब देखेंगे कोवेलेंसी कितनी हो गई, तीन, कितने हो गई, तीन, तो यहाँ कोवेलेंसी हो जाएगा तीन। उसके बाद सेकंड एक्साइटेड स्टेट में यदि हम लोग जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और उठ करके चला जाएगा, ठीक है, कौन सा, ये वाला, कौन सा चला जाएगा, ये वाला, ये देखो भाई यहाँ, तो ये ऐसा नजर आएगा, ठीक है, एक और उठ करके चला गया, एक दो तीन चार, ये यहाँ और ये। तो अब इसका कोवेलेंसी कितना हो जाएगा, पाँच, एक दो तीन चार, पांच जगह पेयरिंग हो सकता है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में यदि हम लोग जाएंगे तो यहाँ फिर से यदि हम बात करें तो इस बार ये वाला उठ के जाए, तो ये उठ के चला गया तो एक बचा यहाँ, ठीक है, यहाँ तो तीन ऑर्बिटल्स हैं और एक एक तो पहले से है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो थे, इस बार एक दो तीन चार, इस बार क्या हो जाएगा, एक दो तीन, तो टोटल कोवेलेंसी अब कितना नज़र आएगा, सेवन का नज़र आएगा। बात समझ में आया, तो किस तरीके से ये प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन शो करते हैं, ये आपको समझ में अब आ गया, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि प्लस वन, ठीक है, क्या क्या हम बात कर रहे हैं, तो प्लस वन हो गया, ठीक है, प्लस थ्री हो गया, प्लस फाइव हो गया, ठीक, प्लस सेवन हो गया, कैन बी शो बाय, कैन बी शो, कैन बी शो बाय, सॉरी, कैन बी शो मोर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, एलिमेंट्स म्यूट कर दीजिए जी, म्यूट कर दीजिए, हाँ, कैन बी सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम क्या बोले कि प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन जो है वो कौन सो करेगा, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रहेगा, लाइक 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 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन, हैलोजन, ठीक है। तो इस तरीके का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, ठीक है, वो कौन सो करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट रहता है वो, जैसे कि ऑक्सीजन और हैलोजन, और हैलोजन में भी इंटर हैलोजन कंपाउंड, ठीक है, इंटर इंटर हैलोजन, मतलब कि दो हैलोजन मिल करके जो बना हुआ, जैसे IF7 इस टाइप का, ठीक है, इंटर हैलोजन, हैलोजन कंपाउंड। म्यूट कर दीजिए जी, अभी जो भी ऐड हुए हैं लगता है वो म्यूट उनका नहीं है, तो आर्यन 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 म्यूट कर दीजिए, आर्यन, हाँ, तो ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके का ये बात है कि प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सॉरी प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी एलिमेंट रहते हैं वही शो करते हैं, खासतौर पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन में भी इंटर हैलोजन जो रहते हैं वो खासतौर पे नजर आते हैं। यदि हम फ्लोरीन की बात करें, ठीक है, फ्लोरीन कैन शो, फ्लोरीन कैन शो, ये जो है कि शो करता है और वो भी माइनस वन ऑक्सीडेशन, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम
जीरो, ठीक है, एंड एंड कैन नॉट एंड कैन नॉट फॉर्म एंड कैन नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, और ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी फॉर्म नहीं करता है, ये बात ध्यान में रखना है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होने के कारण ये जो है फ्लोरीन जो है अपना मल्टीपल बॉन्ड्स भी फॉर्म नहीं करता, ठीक है, बात समझ में आया। खास बात और यहाँ पे है कि ऑल हेलोजन्स आर हाईली रिएक्टिव, इस पॉइंट को याद रखेंगे, हाईली रिएक्टिव रिएक्टिव एंड एंड डायरेक्टली डायरेक्टली कंबाइन एंड डायरेक्टली कंबाइन विथ मेटल्स, आर्यन इधर उधर लिखो नहीं, आर्यन विथ मेटल्स मेटल्स आर्यन इसको हटाइए, ये जो लिखे अभी यहाँ येलो रंग से लिखना मेरा काम, इसको हटाइए जल्दी से, इरेजर है आपका यहाँ भी इरेजर शो कर रहा होगा, उसको हटाइए यहाँ पे, पूरे में फिर नजर आएगा इस तरीके से, जल्दी हटाओ, विथ मेटल एंड नॉन मेटल्स नॉन मेटल, ठीक है, अब क्या बोले कि जो भी हेलोजन सारे हेलोजन जो हैं वो क्या रहेंगे, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली कंबाइन कर जाते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल लें Na, Na का रिएक्शन जो है यदि हम Cl2 के साथ करवाएं, हाफ Cl2 बैलेंस करने के लिए, तो क्या बन जाएगा, ये NaCl हो जाता है, डायरेक्ट मेटल से देखो कंबाइन कर गया, नॉन मेटल के साथ फॉस्फोरस ले लेते हैं, और वही हम ले लेते हैं 3/2 Cl2, ठीक है, 3/2 Cl2, तो ये क्या बन जाता है, BCl3 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो ये दो रिएक्शन है जो कि एक मेटल के साथ है और एक किसके साथ है, नॉन मेटल के साथ, बात समझ में आ रहा है। अब उसी के तरीके से, उसी तरह से यदि हम बात करें बट देयर रिएक्टिविटी, ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे, इसको हटाओ जी, क्या नाम है, आर्यन इरेजर है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे को लेकर के हटाओ इसको, ठीक है, बट ये भी ध्यान में रखेंगे, बट देयर रिएक्टिविटी, ठीक है, बट देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ग्रुप से इसका जो रिएक्टिविटी है वो क्या होते जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया, तो रिएक्टिविटी जो ऑर्डर रहेगा, ठीक है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, F2, देन उसके बाद क्या हो जाएगा Cl2, देन उसके बाद क्या हो जाएगा Br2, देन उसके बाद क्या हो जाएगा I2, ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है निकल करके सामने, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और आपको हम बताने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, ठीक है, देखिए हम कैसे रिलेट कर रहे हैं इसको फिजिकल से, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज SRPV, इसको हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, ये है, तो F2, ठीक है, यदि हम F2 की बात करें, F2
प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कुछ इस प्रकार से, क्या बन जाएगा, 2f-। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें Cl2 का, तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऐसे हम लोग जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 2Cl-। ठीक है, वही यदि हम लोग जाएंगे Br2 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2, और ये क्या बन जाएगा, 2Br-। ठीक है, ठीक ना, उसके बाद वही हम चले जाएंगे किसके लिए, I2 के लिए। ठीक है, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, 2I-। क्या हम बताना चाह रहे हैं, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो इसका, ठीक है, जो अपना इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है, यानी E0 का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, प्लस 2.87 वोल्ट, कितना होता है, जो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा देखा गया है किसका, F2 का। ठीक है, E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप देखेंगे, इसका यदि हम E0 की बात करें, इसका E0 की बात करें, तो ये क्या है, प्लस 1.36 वोल्ट। ठीक है, 1.36 वोल्ट। इसका यदि हम बात करें E0 का वैल्यू का, तो ये है आपका बेटा प्लस 1.09 वोल्ट। ठीक है, इसका यदि हम बात करें E0 का वैल्यू, ठीक है, I2 वाला, तो ये हो जाता है प्लस 0.54 वोल्ट, सबसे मतलब कम ये वाला नजर आ। ठीक है, और ये हम लोग पहले भी जानते हैं, ये वाला क्या है आपका, सबसे ज्यादा हो रहा। ठीक है, ये जो है सबसे ज्यादा वैल्यू आपका मिल रहा पूरे पीरियोडिक टेबल, इज दैट क्लियर। और ये हम लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, अभी आपका हुआ नहीं है क्या इलेक्ट्रो, तो बता देते हैं कि जो इधर लेफ्ट हैंड साइड ये वाला जो रहता है, ठीक है, ये वाला जो रहेगा वो आपका एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऐसे एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, यानी कि ये वाला जो पूरा का पूरा है, ठीक है, ये वाला जो पूरा का पूरा है वो आपका कैसे एक्ट करेगा, ये करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और जो राइट साइड में जो रहता है, यानी कि ये वाला जो पूरा का पूरा हुआ, ठीक है, ये वाला जो पूरा का पूरा हुआ, ये किस तरीके से एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक, अब ये यदि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, तो ये किस तरीके से शो करेगा, रिड्यूसिंग नेचर की तरह शो करेगा। अब यदि हम थोड़ा सा बात कर ले ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए, ठीक है, इसका हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, जाहिर सी बात है E0 का वैल्यू किसका ज्यादा है, F2 का। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, Cl2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, Br2, और ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, I2। अंडरस्टूड, तो ध्यान में रखना है कि ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो है F2 जो हो जाएगा, ठीक है, F2 क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन हैलोजन। ठीक है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो किस में होगा, हैलोजन में। और यही हम इसका बात करें, तो ये वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हैलोजन। ठीक है, क्योंकि सबसे कम वैल्यू है इसका, ये हो जाएगा वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन हैलोजन। ठीक है, हैलोजन में सबसे वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ये देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड, थैंक यू फॉर अंडरस्टूड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि F2 सबसे ज्यादा अच्छा है, ठीक है, अब जो F2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सबसे जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे जो F2 जो है, ठीक है, F2 कैन डिस्प्लेस, ठीक है, F2 कैन डिस्प्लेस Cl, ठीक है, BrI, F2 कैन डिस्प्लेस Cl BrI, और ये चीज ऑर्गेनिक में भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन ऑर्गेनिक चालू होगा, तो वहां पे हम फिर से आपको याद दिलाएंगे इनऑर्गेनिक के बात को, इस बात को कि हमने ये चीज पहले देख चुके। ठीक है, वहां भी रिएक्शन हम लोग देखेंगे कैसे डिस्प्लेस करता है। तो F2 कैन डिस्प्लेस किसको किसको करेगा, यहाँ पे ये Cl Br और I, ठीक है, यानी कि यदि हम रिएक्शन यहाँ पे लिखे हैं किसके साथ, F2, ठीक है, F2 और प्लस क्या लिख देते हैं, 2KX,
टू के एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, सॉरी यदि हम सबसे पहले एफ लिखते हैं, ठीक है, ये एफ रिएक्शन जो है चाहे एक्स लेकर, एक्स लेकर एक्स, तो ये क्या बन जाएगा टू टू के एक्स, और क्या बनेगा एक्स टू, ये बन जाएगा टू के एक्स और साथ ही साथ क्या बनेगा एक्स टू। और यहाँ जो एक्स है, ठीक है, और यहाँ जो एक्स है, ठीक, एक्स जो है वो क्या रहेगा, वो रह सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तभी ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ओके, सॉरी एफ टू लिखे हैं, एफ लिखना चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा एफ, ठीक है, ये ठीक। उसी तरीके से यदि हम लोग बात करें, इस चीज को भी कि Cl2, यदि हम बात करें Cl2, तो Cl2 कैन डिस्प्लेस, Cl2 किसको करेगा, केवल और केवल ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, जो उसके बाद वाला है उसी को केवल करेगा, ऐसा समझ लेना। यानी कि यदि हम रिएक्शन करें, ठीक है, Cl2 प्लस 2KX या 2KF ले लेते हैं, ऐसा 2KF, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि Cl2 कभी भी F को डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है कि F- can't be oxidized, ठीक है, can't be oxidized by any oxidizing agent, ये बात भी यहाँ लिख देते हैं, F- can't be oxidized, ठीक है, by any oxidizing agent, ठीक है, by any oxidizing agent, ठीक, इतना ही sufficient है। तो ध्यान में रखना कि F- जो है वो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। इज दैट क्लियर, ये वाला बात आपका हो गया। उसके बाद और इसमें एक आध हम लोग देख लेते हैं, क्या भाई, तो यहाँ पे यदि हम लोग Cl2, ठीक है, इसी में यदि हम लोग Cl2 का रिएक्शन फिर से देखते हैं, ये Cl2 का रिएक्शन यदि हम लोग ले देते हैं 2KHX, ठीक है, तो ये क्या जनरली बना देगा, ये बना देगा 2KCl और साथ ही साथ क्या बनेगा X2। लेकिन ध्यान में रखना होगा X बराबर यहाँ क्या होना चाहिए, ब्रोमीन या फिर क्या होना चाहिए आयोडीन। और ये भी ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट बात, क्या इम्पोर्टेंट बात है कि ब्रोमीन किसको डिस्प्लेस करेगा, केवल और केवल आयोडीन को, ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस ओनली आयोडीन, ठीक है, केवल और केवल डिस्प्लेस करेगा आयोडीन को ही, और किसी को डिस्प्लेस नहीं करेगा। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग वाला तो देख लिए, अब क्या हम देखते हैं रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर तो क्या है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। नहीं ये वाला नहीं, लेफ्ट और राइट वाला क्या लिखे थे यहाँ पे, जस्ट इस तरीके से आना, ये चीज हम जो कहें स्टेटमेंट वाले वो भी सही, लेकिन उसको कैसे सही करना है ये देख, जैसे कि ये वाला हम क्या बोले कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग वाला है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज किसका हो गया, क्लोरीन का, F2 का, ठीक है, लेकिन ये रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग में सबसे ज्यादा किसका अच्छा होगा, क्या F- का जी नहीं, I- का, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, I- का, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ऑर्डर क्या हो जाएगा अपना, ऑर्डर हो जाएगा आई माइनस, ठीक है, देन उसके बाद क्या हो जाएगा बी आर माइनस, देन उसके बाद क्या हो जाएगा सी एल माइनस, और देन उसके बाद क्या हो जाएगा एफ। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि जो आई माइनस जो होगा, ठीक है, आई माइनस जो होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम आएगा, ठीक है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन हेलोजन, ठीक है। और यदि हम F- की बात करें तो F- क्या हो जाता है, वॉस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन हेलोजन। जस्ट उल्टा चले जाएंगे, ठीक है, क्या चले जाएंगे, जस्ट उल्टा, F2 क्या था, सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और I- क्या रहेगा, सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसका, दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं अभी, दैट इज कॉल्ड हेलोजन ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेलोजन ऑक्साइड,
ठीक है, हेलोजन ऑक्साइड। तो हेलोजन ऑक्साइड में बेसिकली जिसके इसके ऑक्साइड हैं उसके बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ जो भी है वो इम्पोर्टेंट ही होगा एनसीईआरटी में जो है, खास करके उसको तो हम लोग कवर करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत आपको देने के लिए रहेगा वो भी हम आपको देंगे। ठीक है, तो हेलोजन स्पेलिंग में, ठीक है हेलोजन ये हो गया, हेलोजन क्या लिख दिए थे बोन ऐसा कुछ, ये क्या हो जाएगा हेलोजन, हेलोजन ऑक्साइड। ठीक है हेलोजन ऑक्साइड, तो ध्यान में रखेंगे इसमें कुछ पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स रखेंगे यहाँ पे हम बात बता रहे हैं कि क्लोरीन, ठीक है क्या फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली टू कंपाउंड, फ्लोरीन फॉर्म्स, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है काफी इंपॉर्टेंट वाला है, पढ़े हुए हम लोग बस आपको याद दिला रहे हैं, फ्लोरीन ठीक है फ्लोरीन फॉर्म्स फॉर्म ओनली टू कंपाउंड, यानी कि टू ऑक्साइड्स बेसिकली, ठीक है और वो कौन कौन सा है बेटा, वो है आपका ओ एफ टू एंड कौन सा है ओ टू एफ टू, और ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, ध्यान में रखना है स्टेबल, ठीक है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है स्टेबल। ठीक है ये चीज़ हो गया, अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते क्या है भाई, तो इसका जो है आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे का जो है वो प्लस टू में, और यहाँ पे किस में है प्लस वन, ये चीज ध्यान में रखें, ठीक है ओ एफ टू में, और इसमें ऑक्सीजन जो है वो किस में है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ठीक है बोथ आर स्ट्रॉन्ग क्लोरीनेटिंग रिएजेंट, ठीक है ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि बोथ आर स्ट्रॉन्ग क्लोरीनेटिंग रिएजेंट। तो क्लोरीनेटिंग रिएजेंट का मतलब क्या, जैसे क्लोरीनेटिंग रिएजेंट तो उसमें क्या होता है वो क्लोरीन देता है, ठीक है उसी तरीके से क्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग क्लोरीनेटिंग रिएजेंट का मतलब कि आसानी से अपने क्लोरीन को देख, जहाँ जरूरत होगा वो आसानी से अपने क्लोरीन को देगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहें क्लोरीनेटिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है अब यदि हम बात करें, ठीक है अब हम किसकी बात करें, यदि हम Cl की बात करें, Br की बात करें और I की बात करें, ठीक है यहाँ तो फ्लोरीन का हम लोग पहले सबसे पहले बात कर लिए, दो ही है केवल, ठीक है दे फॉर्म्स नंबर ऑफ ठीक है नंबर ऑफ ऑक्साइड्स इन विच ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर रेंज फ्रॉम प्लस वन टू प्लस सेवन। ठीक है तो सिंपल सी बात है, हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि क्लोरीन जो है वो क्या शो करता है, माइनस वन वाला जो है वो शो करता है, दैट क्लियर, क्लोरीन जो है वो माइनस वन शो करता है, लेकिन बाकी जो हैं वो प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, कभी कभी जरूरत पड़ने पे प्लस फोर और प्लस सिक्स भी शो करता है, तो इसीलिए जो ऊपर वाले जो भी कंपाउंड है क्लोरीन के वो सब माइनस वन शो कर रहे हैं, लेकिन क्लोरीन और ऑक्साइड बना रहे हैं, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो ये जो है ये क्या करते हैं, ये भी अपना क्या बना रहे हैं, ये अपना ऑक्साइड बना रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, मतलब कि बहुत सारे ऑक्साइड्स इनके बनेंगे वैरायटी के, और उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगा वो क्या रहेगा प्लस वन से लेकर के प्लस सेवन तक होता है। आई बात समझ में यहाँ पे। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर की यदि हम बात करें, ठीक है ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी की थोड़ी सी बात करें कि किसका ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल रहेगा, आयोडीन का फ्लोरीन का या फिर ऐसे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा, ठीक है स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है वो सबसे ज़्यादा रहेगा आयोडीन का, देन उसके बाद क्लोरीन का, देन उसके बाद क्या होगा ब्रोमीन का। ठीक है ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका आपका ऑक्साइड रहता है, आयोडीन का,
देन उसके बाद किसका रहता है क्लोरीन का, और फिर देन उसके बाद किसका रहता है ब्रोमीन का। इज दैट क्लियर? ये चीज जो है ध्यान में रखेंगे। और ये ऑर्डर जो आया है, अब दो चीज पढ़े होंगे ऑर्गेनिक में भी ध्यान में आया हो, ठीक है, एक होता है KCP और एक होता है TCP, यानी एक होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और एक होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है जो रेट से रिलेटेड होता है, कितना स्पीड में वो बन रहा है, ठीक है, रेट डिपेंडेंट होता है, ठीक। और थर्मोडायनेमिकली का मतलब होता है जो हीट डिपेंडेंट, मतलब कितना ज़्यादा स्टेबल वो कंपाउंड बन रहा है, रेट से अपने को कोई मतलब नहीं होता। तो ये जो ऑर्डर आया है वो दोनों को सेटिस्फाई करते हुए आया है। किसको किसको सेटिस्फाई करते हुए आया है? तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, काइनेटिक फैक्टर ऐसा लिखते हैं, काइनेटिक फैक्टर फैक्टर एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर फैक्टर दोनों को ये जो है वो सेटिस्फाई करते हुए ये वाला जो है आपका ऑर्डर आया हुआ। इज दैट क्लियर? यदि हम क्लोरीन के ऑक्साइड्स की बात करें, ठीक है, क्लोरीन के ऑक्साइड की बात करें तो कौन कौन सा शो करता है? शो करेगा Cl2O, ठीक है, Cl2O3, ठीक है, Cl2O2, ठीक है, Clo2, उसके बाद Cl2O5, उसके बाद Clo3, ठीक है, उसके बाद Cl2O7, इस तरीके के ये ऑक्साइड शो करता है, ठीक है। तो और इसमें भी यदि हम इसका बात करें तो ये कितना शो कर रहा है, ठीक है, ये +1 शो कर रहा है, यहाँ पे +3 शो कर रहा है, यहाँ पे +4 शो कर रहा है, ये यहाँ पे कितना 5 × 10 तो +5 शो कर रहा है, 2 × 3 = 6 +6 शो कर रहा है, और ये कितना हो जाएगा +7 यहाँ पे शो कर रहा है। तो देख रहे हैं कि डिफरेंट जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं हैलोजन्स के एक्सेप्ट क्लोरीन को छोड़ करके वो सब शो कर रहा है, 1, 3, 4, 5, 6, 7 सबका सब शो कर रहा है। और यदि हम बात करें इसका +1 वाला का, ठीक है, +4 वाला का, +6 वाला का, ठीक है, +6 वाला का और +7 वाला का, तो ये सब जो है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव माना जाता है। क्या माना जाता है? हाईली रिएक्टिव, ठीक है, ये सब का सब क्या मानते हैं हम लोग? हाईली रिएक्टिव, ठीक है, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड एक्सप्लोसिव भी है, ये भी ध्यान में रखें, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एक्सप्लोसिव इन नेचर के भी ये होते हैं। अंडरस्टूड? तो ये किसके ऑक्साइड्स हो गए? क्लोरीन के ऑक्साइड्स हो गए। वहीं यदि हम ब्रोमीन की बात करें, ठीक है, ब्रोमीन की बात करें तो इसका जो है वो क्या होगा? Br2O, ठीक है, Br2O, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? Br3O, ठीक है, ये ध्यान में रखना बेटा, ये लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है, बहुत कम स्टेबल होता है, ये भी ध्यान में रखना, लीस्ट स्टेबल होते हैं ये, ठीक है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। वहीं यदि हम बात करें आयोडीन का, ठीक है, तो आयोडीन का कौन कौन सा ऑक्साइड होता है? तथा I2O4, ठीक है, I2O5, ठीक है, और I2O7 होता है, ठीक है, और ये भी जो होते हैं वो गुड ऑक्सीड, ये जो होते हैं ये आपका गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं, ठीक है, एंड इसका यूज भी बता देते हैं एस्टीमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को एस्टिमेट करने में भी इसका हम लोग यूज लेते हैं। बात समझ में आया? ये दूसरा प्रॉपर्टी आपका पूरा ऑक्साइड जो था वो समाप्त हो रहा है, ठीक है। तीसरे यदि हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें वो है हैलोजन हाइड्राइड, ठीक है, जो भी इसके हाइड्राइड है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन से इसके हाइड्राइड हैं, ठीक है, क्या क्या इसका रिएक्टिविटी है वो सारा हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं, सॉरी तीसरा, थर्ड वाला जो हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग का क्या रहेगा? हैलोजन हाइड्राइड
ठीक है, हेलोजन हाइड्राइड ये है। तो हेलोजन हाइड्राइड जो है बेसिकली बनता कैसे है, सबसे पहले वो देख किस तरीके से बनता है। हालांकि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बनता है, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। डायरेक्ट हम करके बता रहे हैं, जैसे कि ये हम लोग एच टू और प्लस क्या ले लेते हैं, एक्स टू, क्या ले लेते हैं, एक्स टू। ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा टू एच एक्स, क्या बन जाएगा, टू एच एक्स। यहाँ जो एक्स रहेगा वो रहेगा फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हम क्या बोल रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे बन सकते हैं, ठीक है। और जो आपका हाइड्रा एसिड जो बन रहा वो कौन कौन सा बन रहा है, एक तो बन रहा है एच एफ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एच सी एल, ये क्या हो जाएगा एच बी आर, और ये क्या हो जाएगा एच आई। यही जो है चार आपको नजर आ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आपसे पूछ सकता है, पूछ सकता है आपसे बॉन्ड लेंथ, क्या पूछ सकता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है, क्या पूछ सकता है आपसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ सिंपल सी बात है कि किसके किसके बीच के हम बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ किसका किसका, एच और एक्स के बीच में बात हो रहा है, किसके किसके बीच में बात हो रहा है, एच और एक्स। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन कौन सा है, एच है, एफ है, ठीक है, एच है, एच है, ठीक है, एच है सी एल, ठीक है, एच है बी आर है, ठीक है, उसके बाद एच है और आई। यदि हम ऑर्बिटल जो अपना रहता है, ठीक है, इसके बीच में यदि हम बात करें तो किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो, तो जाहिर सी बात है इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि आयोडीन किस वाले में रहता है, फाइव फिफ्थ वाले में रहता है, ठीक है। क्लोरीन किस में, दूसरे दूसरे टू पी, थ्री पी, फोर पी, फाइव पी, इसका जो रहता है ये किस किस वाले में रहता है, ये रहता है टू पी में, ये रहता है थ्री पी में, ये रहता है फोर पी में, ये रहता है फाइव पी में, ठीक है। और ये किस में, वन वन वाले में, वन एस में। तो दोनों का जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। ये किस में, वन एस में ही है ना, ये वन एस, वन एस, ये वन एस। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा है, वन से पाँचवें में। तो किसका ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ जो होगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच एफ, ठीक है, लेस देन, ठीक, उसके बाद हो जाएगा एच सी एल, लेस देन, ठीक है, एच बी आर, ठीक है, लेस देन, क्या हो जाएगा ये एच आई, यानी एच आई का जो है सबसे ज़्यादा जो है बॉन्ड लेंथ पाया जाएगा। आई बात समझ में आपको, क्लियर है ये चीज़। उसके बाद यदि हम बात करें एसिडिक कैरेक्टर की, ठीक है, किसकी बात करें, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर, वाह, आज 10 मिनट और बचा हुआ, फिर से हम लिंक भेजेंगे। तो ये अब हम बात करेंगे इसी में, और आपसे क्या पूछ सकता है, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में, ठीक है, एसिडिक, एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा सा हम लोग कहाँ पे भी पढ़े हुए हैं इसके बारे में, इसके इसके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में हम लोग याद है कहाँ पढ़े हुए, ऑर्गेनिक में ही पढ़े हुए हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, एच प्लस जो आसानी से निकल जाएगा उतना ही ज़्यादा वो क्या कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस किस में ज़्यादा रहा है, तो डिस्टेंस रहा है एच आई में, एच आई में डिस्टेंस ज़्यादा रहा तो एच आसानी से निकल सकता है, अंडरस्टूड। तो एच आसानी से निकल जाएगा तो एच आई जो है वो ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक कहलाएगा। हालांकि ऑर्गेनिक में हम लोग अलग तरीके से निकालते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ आयन देख करके निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे साइज मतलब कि डिफरेंस जो है उनके बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने के कारण वो आसानी से टूटेगा, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, एच एफ जो होगा वो सबसे लिस्ट होगा, देन उसके बाद एच सी एल होगा, देन उसके बाद एच बी आर होगा, देन उसके बाद एच आई होगा। ये ऑर्डर हो जाएगा किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का। और हम आपको ये भी बताए थे, ठीक है, ये भी बताए थे कि ये जो तीन होते हैं, ये जो तीन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड ये तीनों होता है। बात समझ में आया। वहीं अब हम क्या बात करें, रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बात करें, ठीक है, बात करें रिड्यूसिंग नेचर, इसके रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बात करें तो क्या रिड्यूसिंग नेचर भाई हो सकता है, ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बात करें क्या हो सकता है रिड्यूसिंग नेचर। तो बोलता ऑल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान में रखिएगा, ऑल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जो सारे होते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एच एफ, बताए थे ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है, ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे बनेगा क्या, एफ
माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी जो रिड्यूसिंग नेचर का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, HCl, ठीक है, लेस देन क्या हो जाएगा HBr, ठीक है, लेस देन क्या हो जाएगा HF, ठीक। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ऑर्डर ये ऐसा होगा, यहाँ पे जो है रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये हो जा रहा है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हम बोल रहे हैं, ठीक है, इसको जो है ना एक बार और हम कंफर्म करते हैं, यहाँ पे अपने को कुछ फॉल्ट लग रहा है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग नेचर वाला जो पॉइंट है वो हम आपको फिर से दोबारा बताते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर, ओके, ठीक। तो यहाँ तक हो गया अपना, और इसमें HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है, ये वाला पॉइंट भी हम कवर करते हैं अगले क्लास, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपका ये हो गया, ठीक। अब जो हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा आपका क्या खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा का पूरा खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो अब जो हम लोग देखने जाएंगे वो अब हम लोग क्या देखेंगे, केमिस्ट्री ऑफ क्लोरीन, या फिर केमिस्ट्री ऑफ, बेसिकली अपने को वही पढ़ना है जो हम पहले भी लिख पाए हैं, केमिस्ट्री ऑफ किसके बारे में पढ़ना है, क्लोरीन के बारे में, कई तरीके से उसका प्रिपरेशन, मैनुफैक्चर, वो सब देखना है, प्रॉपर्टीज देखना है, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के उसका एक्शन जो है ब्लीचिंग एक्शन टाइप का है वो अपने को, ठीक है। तो अभी हम लिंक फिर से भेजते हैं, क्योंकि जस्ट 5 मिनट्स जो है वो बचा हुआ है, कभी भी ये ऑफ हो सकता है। तो शुरू से हम लोग एक पूरा वीडियो में जो है इसको कवर करेंगे तुरंत, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपका बन रहा है, वो भी हम आज सेंड करेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए सब लोग लाइव आने का, जितना अच्छा हो सके लाइव, जितना ज़्यादा लोग आ सकेंगे उतना अच्छा रहेगा, सामने चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं समझ में आएगा तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए जो हम लाइव ले रहे हैं उसका, ठीक है। तो चलिए अभी फिर हम 5 मिनट आप भी ब्रेक ले लो, उसके बाद हम तुरंत लिंक भेजते हैं, ठीक है।